मैंने जो तुझे पैसे जो मैंने तुझे दिए थे संभालने के लिए वो तूने शेयर मार्केट में तूने लगा दिए। अरे पागल आदमी, तुझ में अक्कल नाम की कोई चीज है या नहीं? लेकिन वो जो मैंने जो तुझे 1 लाख जो मैंने तुझे दिए थे वो संभालने के लिए, वो जो तूने जो शेयर मार्केट में जो तूने लगाए वो मतलब सही सलामत है ना? क्या 1 लाख का 50 हजार हो गया? क्या बात कर रहा है? मतलब 1 लाख रुपए जो तूने शेयर मार्केट में जो तूने डाले उसका मतलब 50 हजार प्रॉफिट हो गया क्या? मतलब टोटल में 1.5 लाख? क्या 1 लाख का 50 हजार? मतलब 50 हजार का नुकसान हो गया? मतलब एक लाख में से सिर्फ अभी 50 हजार भी बच गया? अरे लेकिन तेरे को कौन बोला, तेरे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तेरे को कुछ नॉलेज है शेयर मार्केट का? कुछ नॉलेज है? कौन बोला तुझे इन्वेस्ट करने के लिए? क्या तेरा दोस्त? अरे कौन सा दोस्त तुझे बोला इन्वेस्ट करने के लिए? क्या वो चाय टपरी पे जो बैठता है वो, उसने तुझे बोला शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए? अरे यार, अरे लेकिन तुझ में अक्कल नहीं है क्या? तुझ में अक्कल नहीं है? तुझे पता है ना तुझे शेयर मार्केट का तुझे नॉलेज नहीं था, तो तूने क्यों लगाए पैसे पूरे 1 लाख? अरे तू मेरा मतलब भाई है कि मेरा दुश्मन? तू साला मुझे रास्ते पे लेके आएगा यार? मतलब मैंने तुझे पैसे वो संभालने के लिए दिए थे क्या? मतलब वो, अच्छा मतलब तू ये कहना चाहते है कि तूने जो वो पैसे जो शेयर मार्केट में जो लगाए वो तूने मतलब तुझे मतलब वो शेयर मार्केट का वो ट्रेडिंग तुझे सीखने का था, इसलिए तूने वो शेयर मार्केट में तूने 1 लाख रुपए तूने लगाए? अबे तेरे को अगर सीखने का अगर था शेयर मार्केट तो तू 1 हजार रुपया लगाता, 2 हजार रुपया लगाता, 1 लाख रुपया लगाने की क्या क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? अरे मैंने वो पैसे, मेरा FD तोड़ के वो पैसे मैंने लाए थे और मैंने तुझे मैंने संभालने के लिए दिए थे, क्योंकि मुझे मतलब बाहर जाना था इसीलिए मैंने तुझे संभालने के लिए दिए थे, और तूने सारे के सारे पैसे तूने वो शेयर मार्केट में तूने लगा दिए, और सिर्फ अभी मतलब वो 50 हजार मतलब अभी मतलब रह गए। सुन सुन, वो जो 50 हजार जो रह गए मतलब वो 50 हजार, अरे बाबा मतलब 1 लाख का जो तूने जो इन्वेस्टमेंट जो किया था, हाँ 1 लाख में से जो 50 हजार का जो नुकसान जो हुआ है, तो उसमें से मतलब 50 हजार मतलब जो रह गए वो मतलब तूने मतलब निकाल लिए ना वो शेयर में से? अरे मतलब शेयर वो बेच के तूने तेरे पैसे निकाल लिए ना कि अभी भी उधर ही है? अच्छा तूने एग्जिट कर लिया मतलब वो, हाँ मतलब वही मतलब शेयर मतलब बेच के वो सारे वो पैसे मतलब निकाल लिए 50 हजार? अरे वाह, अच्छा हो गया। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जब तूने वो पैसे मतलब निकाले वो 50 हजार बराबर है, हाँ वही मतलब बचे कुचे रे वो 50 हजार जब तूने निकाले ना, तो उसके बाद वो जो शेयर में तूने जो इन्वेस्ट जो किया था उसके बाद मतलब वो क्या प्राइस मतलब ऊपर गया कि नीचे? अरे मतलब जब तूने एग्जिट किया ना, एग्जिट मतलब वही मतलब शेयर बेच के जो तूने वो 50 हजार पूरे मतलब निकाल लिए, तभी वो शेयर का वो प्राइस ऊपर गया कि नीचे? क्या नीचे गया? नीचे मतलब कितना नीचे गया? क्या बात कर रहा है? मतलब अगर और मतलब आधा घंटा अगर तू वो पैसे मतलब वैसे ही मतलब रखता, मतलब वो शेयर मतलब वैसे ही अगर रखता तो वो 50 हजार का मतलब 20 हजार हो जाता। मतलब सिर्फ मतलब 20 हजार ही मतलब रह जाते, 20 हजार रुपए सिर्फ रह जाते। अरे बाप रे, तूने ऐसे कौन से तूने शेयर में तूने पैसे मतलब लगाए थे? तू बाबा बहुत डेंजरस आदमी है। वो तो अच्छा हुआ कि तूने वो समझदारी तूने दिखाई और वो फटाफट तूने वो शेयर तूने वो बेच दिए भाई। वो मतलब तूने अच्छा काम तूने किया। मतलब 20 हजार सिर्फ अगर मतलब बच जाते तो मतलब कितने का मतलब लॉस हो जाता? 80 हजार का लॉस हो जाता? अरे बाप रे, अच्छा काम किया तूने। मतलब 50 हजार का तो तूने मतलब लॉस मतलब कर ही दिया है, लेकिन फिर भी चलो मतलब वो तूने टाइम पे तूने एग्जिट किया, वो तूने बेच दिया शेयर, वो अच्छा मतलब तूने काम किया। अरे मैं समझ गया यार, तेरे को वो सीखने का था। तू अभी तू मतलब क्या
कितने बार मतलब तू मुझे मतलब बताएगा कि तेरे को शेयर मार्केट सीखने का था, शेयर मार्केट सीखने का था। तेरे को अगर सीखने का था ना, देख तेरे को सीखने का है ना तो अच्छी बात है, कुछ नई चीज मतलब सीखना अच्छी बात है, ट्राई करना अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब एक ना लिमिट होता है ना यार। अरे मतलब तेरे को अगर सीखना था तो 1,000 या फिर 2,000 रुपये से तू मतलब शुरुआत करता, तूने सीधा मतलब 1,00,000 तूने मतलब घुसा दिए। देख तू मेरा भाई है, जो मेरा जो पैसा जो है वो मतलब तेरा भी है, तेरा भी उस पे हक है। मैंने मतलब ऐसा नहीं बोला कि वो 1,00,000 रुपए मेरे है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तेरा भी उस पे हक है। लेकिन अरे जरा सोच समझ के जरा पैसा थोड़ा मतलब इन्वेस्ट करना। तो तेरे को अगर सीखने का है तो 1-2 हजार से तू स्टार्ट कर। देख अभी तूने अगर 2,000 रुपए अगर तूने लगाए होते ना, और उसमें से अगर समझ मतलब 1,000 रुपए का अगर लॉस अगर हो जाता तो 1,000 रुपए तेरे पास बच जाते। और क्या है, देख 2,000 रुपए मतलब इतनी मतलब बड़ी अमाउंट नहीं है कि मतलब लॉस होने के बाद मतलब बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगेगा। लेकिन अरे 1,00,000 मतलब कितना टाइम लगता है यार कमाने के लिए, और तूने मतलब एक ही झटके में सब मतलब ठीक है चल अभी छोड़। हाँ और वो जो 50,000 जो है वो अभी है किधर, तेरे डीमैट अकाउंट में है या तेरे वो बैंक के अकाउंट में? अच्छा तेरे बैंक अकाउंट में, अच्छा ठीक है। एक काम कर तू फटाफट अभी मुझे वो ट्रांसफर कर, मुझे वो पैसे चाहिए। अरे ट्रांसफर मतलब वही मतलब 50,000 जो तेरे बैंक अकाउंट में जो है फटाफट मुझे ट्रांसफर कर, मुझे जरा चाहिए, मुझे काम है। हाँ क्या, अरे वो अभी छोड़ यार, सॉरी बीरी, अभी सॉरी बोल के अभी तू क्या करने वाला है? अरे नहीं देख मुझे भी बुरा तो लगा है, वो 50,000 गए, लेकिन ठीक है मतलब ठीक है चल अभी छोड़ अभी मैं वो देख लूंगा वो। लेकिन भाई अगली बार से ऐसा कुछ कर मत, ये ऐसे बड़ी अमाउंट लगा के ऐसा तू कुछ प्लीज कुछ ऐसा कुछ कर मत एक्सपेरिमेंट। हाँ हाँ, और तुझे अगर सीखना है ना शेयर मार्केट तो मैंने तुझे बोला है ना वैसे ही कर, 1-2 हजार रुपया मतलब स्टार्टिंग में लगा, और मतलब वो देख जरा कैसा क्या होता है। हाँ हाँ ठीक है, वो पैसे मेरे अभी ट्रांसफर कर 50,000। हाँ।